हेलो ऑल एंड वेलकम टू रिकॉग्निशन आईएएस। हम लोग देख रहे हैं हमारे ज्योग्राफी ऑप्शनल क्लासेस और इसमें हम लोग फिलहाल देख रहे हैं पेपर टू इंडियन ज्योग्राफी के बारे में। काफी वीडियोस हम लोगों ने देख रही है और काफी हद तक हम लोग आगे बढ़ गए हैं। हम लोग बेसिकली इस समय देख रहे हैं ड्रेनेज पैटर्न के बारे में। इस ड्रेनेज पैटर्न में जरा आगे बढ़ते हैं और कंटिन्यू करते हैं हमारे लास्ट क्लास की डिस्कशन को। स्टार्ट करने से पहले हमारे कुछ कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं जिनको आप लोग यूज कर सकते हैं अपने डाउट पूछने के लिए या फिर हम तक रीच आउट करने के लिए। इसके अलावा हमारे कुछ और फिल्म स्पेशल एज वेल एज मेन्स स्पेशल कोर्सेज हैं जिनको कि आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब अस फॉर टेस्ट सीरीज एंड दीज आर द अवेलेबल टेस्ट सीरीज। तो देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है लेक्स के बारे में। बहुत ही छोटा सा डिस्कशन है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे लेक क्या है, लेक के टाइप क्या है और वॉट आर द रीजन थ्रू विच दीज लेक्स हैव बीन डेवलप्ड। क्यों आखिर में डेवलप हुए, कैसे क्या हुआ। बाकी हम लोग जितने भी लेक के एग्जाम्पल हैं वो हम लोग अगेन अपने मैप मेकिंग की क्लासेस में देखेंगे। मैप मेकिंग हम लोग देखेंगे कि कौन से लेक है, क्या टाइप है। टाइप तो हालांकि अभी ही डिस्कस करेंगे बट वहां पर भी एक 40 वर्ड लिखने के दौरान में चीजें देख लेंगे क्या कुछ है। अगर आप मैप मेकिंग फॉलो नहीं कर रहे हैं तो फॉलो करिए बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट कवर्स नियरली 50 मार्क्स, तो काफी जरूरी, काफी इंपॉर्टेंट होता है, तो उसको जरा फॉलो करिए और एक्टिव पार्टिसिपेशन इज रिक्वायर्ड देयर। चलिए खैर, तो हम लोग बात करते हैं हमारे लेक के बारे में। तो लेक इज अ नेचुरल डिप्रेशन, सीधी सी बात है। आप देखिए यहां पर जरा लेक के बारे में पहले आपको आइडिया दे देता हूं। लेक मतलब क्या होता है, एक तरीके का डिप्रेशन इज लेक। यहां पर जब वाटर इकट्ठा भर जाएगा, वाटर इकट्ठा हो जाएगा तो आप क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड एज लेक। सीधी सी बात है, एक लेक एक ऐसी चीज होती है जो चारों ओर से क्या होती है, लैंड लॉक्ड होती है, बंद हो रही होती है। अगर वो ओपन हो जाएगा तो सीधी सी बात है वो सी कहलाना शुरू कर देगा। दूसरी एक डिफिनेशन में होती है, वो एरिया पर डिपेंड कर रहा होता है, एरिया पर। जैसे क्या है कि अगर हम लोग कैस्पियन सी के बारे में बात करें तो कैस्पियन सी इज नॉट अ सी, इट इज अ लेक एक्चुअली। लेकिन 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 इसको सी डिक्लेयर किया गया है इंटरनेशनल तरीके से, तो इंटरनेशनली इट हैज बीन डिक्लेयर्ड सी, अदरवाइज ये एक लेक है। क्यों, क्योंकि चारों ओर से ये क्लोजली पैक्ड है, लैंडवर्ड है, इस वजह से है लैंडलॉक्ड। क्लियर हो गया क्या चीज लेक का मतलब क्या होता है। दो तरीके की हो सकती है, एक तो नेचुरल भी हो सकती है और दूसरी जो है वो आर्टिफिशियल भी हो सकती है। आर्टिफिशियल का मतलब जैसे अभी हम लोग जब रीजनल डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे विद इन दिस पेपर टू इंडियन ज्योग्राफी, वहां पर आपको मैं बताऊंगा वाटरशेड मैनेजमेंट के बारे में। वाटरशेड मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी और समझने के लिए भी। वाटरशेड मैनेजमेंट में होता क्या, एक तरीके का बाउल टाइप का शेप बना दिया जाता है जिसको हम लोग वाटरशेड बोलते हैं। ये एक तरीके का वाटर कंजर्वेशन स्ट्रक्चर है, वाटर कंजर्वेशन स्ट्रक्चर। जैसे साउथ इंडिया में आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु एंड ऑल दैट जहां पर टैंक इरिगेशन की जा रही होती है, वहीं पर हम लोग इस तरीके की वाटरशेड मैनेजमेंट भी कर रहे होते हैं, वाटर की कंजर्वेशन कर रहे होते हैं। तो बेसिकली इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ लेक विच हैज बीन डेवलप्ड आर्टिफिशियली, ह्यूमन मेड मैन मेड तरीके से इसको बनाया जा रहा होता है। तो यहां पर वही है कि जो लेक है वो एक नेचुरल डिप्रेशन है जो कि पानी से भरा होता है। इन दिस पीरियड ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड स्केर्सिटी ऑफ वाटर, लेक्स आर इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई टू ह्यूमैनिटी। दैट इज वेरी कॉमन, बहुत ही आराम से आप समझ सकते हैं क्या चीज है इसको। दे ऑल्सो हेल्प इन प्रिवेंशन ऑफ सडन फ्लड एंड ड्रॉप। क्यों, क्योंकि सीधी सी बात है अगर फ्लड कंडीशन आई है तो इसको आप फिल कर लेंगे और जो अगर ड्रॉट कंडीशन आएगी तो इसी वाटर को आप लोग यूज करना शुरू कर देंगे। द लेक ऑफ इंडिया हैव डिफरेंट ओरिजिन एंड दैट इज वाई इट हैज बीन डिवाइडेड इन टू डिफरेंट टाइप्स। देख लेते हैं वन बाई वन करके कौन कौन से टाइप्स हैं। तो हमारे पास तीन तरीके के टाइप यहाँ पर लिखे गए, जैसे एक टेक्टोनिक लेक हो गई, दूसरी क्रेटर लेक हो गई और तीसरी लिखी है ग्लेशियल लेक। बहुत और तरीके के लेक हैं, हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे क्या कुछ है। पहले यहां पर समझ लेते हैं कि टेक्टोनिक लेक क्या होती है। टेक्टोनिक लेक का मतलब आप समझ सकते हैं जैसे अफ्रीका के पास में ग्रेट रिफ्ट वैली और वहां पर नंबर ऑफ लेक्स हैं, जैसे टंगनिका हो गई, मालावी हो गई, बहुत सारी वहां पर लेक आपको देखने को मिलेगी। विक्टोरिया छोड़ के, विक्टोरिया अलग है लेकिन बाकी सारी जितनी भी लेक्स हैं वो आखिर में बनी क्यों, बिकॉज ऑफ द डाइवर्जिंग प्लेट्स। डाइवर्जिंग प्लेट जब डाइवर्ज कर रहा होता है तो अल्टीमेटली एक रिफ्ट वैली बन रही होती है जो पानी भर जाती है और इस तरीके से जो रिफ्ट में छोटी छोटी दरारें होती हैं वो अल्टीमेटली बना दे रही होती है एक एक लेक, जैसे टंगनिका, मालावी एंड ऑल दैट जो भी हमारी लेक्स हैं वहां पर। तो इस तरीके से जो लेक बनती है उसको हम लोग बोलते हैं टेक्टोनिक लेक। दीज आर फॉर्म्ड ड्यू टू फ्रैक्चर्स फॉल्ट्स इन द अर्थ क्रस्ट। मोस्ट ऑफ द लेक्स इन द हिली एरिया ऑफ कश्मीर, कुमाऊ बिलोंग टू दिस टाइप ऑफ लेक्स। द सोमोरीरी, सैंको, लद्दाख आर सम ऑफ द एग्जांपल ऑफ सच टाइप ऑफ लेक्स। क्लियर हो गया क्या चीज है। नेक्स्ट हमारी है क्रेटर लेक। क्रेटर लेक का मतलब क्या होता है, जैसे मान लेते हैं ये हमारी वोल्केनिक माउंटेन है, वोल्केनो है,
यहां से वोल्केनो निकला, निकलने के कारण से अब क्या हुआ, जब निकलना बंद हो जाएगा, डोरमेंट हो जाएगा, तो क्या होगा, टॉप का सरफेस ऐसा झुका हुआ होगा, सीधी सी बात है, यहां पर मैग्मा पिघला नहीं है, मतलब कि जमा नहीं है, तो यहां पर लगातार क्या है, इरप्शन होते रहा है, तो यहां पर इस तरीके की सरफेस बन जाएगी। जब बारिश होगी तो होगा क्या, ये इलाका है, वेंट है यहां पर, ये वेंट में पानी भर जाएगा और इस तरीके से यहां पर टॉप सरफेस पे हमें वाटर दिखना शुरू हो जाएगा। जो रेड कलर यहां से मैं पेंट किया हूं, ये बेसिकली क्या है, वाटर, और इस तरीके का एक लेक बन जाएगा जिसको हम लोग बोलते हैं क्रेटर लेक। क्यों? क्योंकि इसको बोलते हैं हम लोग क्रेटर, दिस इज क्रेटर। जब ये बिनिद अर्थ होता है इसको बोलते हैं क्या, डाइक्स। तो आपको आइडिया लग गया होगा बेसिकली क्रेटर और डाइक क्या चीज है। तो क्रेटर लेक्स आर फॉर्म्ड व्हेन द क्रेटर एंड कैल्डेराज आर फिल्ड विद वाटर। क्रेटर और कैल्डेरा में कुछ नहीं अंतर होता है, केवल साइज का अंतर होता है, डायमीटर अगर बड़ी हो जाती है तो उसको हम लोग कैल्डेरा बोल देते हैं, अदरवाइज वो क्रेटर रहती है। क्लियर? तो दे आर वेरी फ्यू इन नंबर, बहुत कम है इंडिया में। जैसे लोनार लेक जो है वो एक तरीके का क्रेटर लेक है इंडिया में, और बाकी इस तरीके का कोई क्रेटर लेक ऐसा नहीं मिलता है। मिलेगा भी तो आपको नारकोंडम वगैरह में मिलेगा, बट दैट इज नॉट इनहिबिटेड, और वहां पर जाना भी मना है, प्रोहिबिटेड है। अगली जो लेक आती है वो आती है हमारी ग्लेशियर लेक, या फिर इसको बोलते हैं हम लोग टांस। तो यहां पर देखिए, जब आप लोग ग्लेशियर लैंडफॉर्म के बारे में पढ़े होंगे तो वहां पर पढ़े होंगे कि हमारे पास नंबर ऑफ इरोजनल एंड डिपोजिशनल फीचर्स होते हैं, जैसे हमारी एरिट हो गई, या फिर पिरामिड हो गया, या हमारी हैंगिंग वैली हो गई, तो बहुत सारे बर्गचंड वगैरह हो गया, बहुत सारे हमारे पास लैंडफॉर्म्स हो रहे होते हैं। ये लैंडफॉर्म बेसिकली बनता किससे है, ये बनता है लैकोस्ट्रीन मटेरियल से। लैकोस्ट्रीन क्या होती है, लैकोस्ट्रीन का मतलब होता है जहां पर आइस, ग्लेशियर, डस्ट पार्टिकल, रॉक्स, पेबल्स, इस तरीके से जो चीजें होती है जब मिक्स हो जाती हैं आपस में, ग्लेशियर टाइप का दिखना शुरू हो जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं लैकोस्ट्रीन। साधारण भाषा में अगर बात करें तो जैसे डस्ट होती है धूल की, अगर वो ग्लेशियर डस्ट है उसको हम लोग बोलेंगे लैकोस्ट्रीन मटेरियल। क्लियर हो गया? तो ग्लेशियर डस्ट आप बोल सकते हैं इसको। यहीं पर एक टार्न, एक छोटा सा माउंटेन लेक टाइप का होता है, जो चारों ओर लैकोस्ट्रीन मटेरियल जब डेवलप हो जाता है तो बीच में एक गड्ढा टाइप का, डिप्रेशन टाइप का बन जाता है, जिसको कि हम लोग बोलते हैं टार्न। और यही टार्न में जब पानी पिघल करके आ जाता है तो उसको हम लोग बोल देते हैं कि वो एक ग्लेशियर लेक बन गया है। तो स्पेशली वन दैट कलेक्ट इन अ सर्क बेसिन बिहाइंड राइजेस ऑफ रॉक मटेरियल। देखिए, अगर आपको ग्लेशियर में कोई दिक्कत हो तो देखिए लैंडफॉर्म वाली वीडियो जाकर के आप देख लीजिए, काफी डिटेल में और काफी फिगर वगैरह के साथ में, एनिमेशन के साथ दिखाया गया, तो आप जाकर के वहां देख सकते हैं और अपनी जो भी डाउट्स है वो क्लियर कर सकते हैं वहां पर। मोस्ट ऑफ द ग्लेशियर लेक इन इंडिया आर स्मॉल इन साइज। जैसे एक है हमारा गंगाबल लेक ऑफ कश्मीर, ये जो होती है ग्रेटर हिमालय में लोकेटेड है। ये देखिए, आपको याद करना है, यहां पर कोई चीज नहीं है, नाम वगैरह आपको याद करना ही पड़ेगा एट एनी कॉस्ट। ग्लेशियर लेक जो होती है कुछ लद्दाख में भी पाई जा रही होती है, हिमाचल प्रदेश में भी पाई जा रही होती है, और उत्तराखंड के कुमाऊं रीजन में भी पाई जा रही होती है। तो ये थी हमारी बेसिकली ग्लेशियर लेक के बारे में। आगे अगर हम लेक के बारे में बात करें तो देखिए, एक होती है फ्लूवियल लेक। फ्लूवियल का मतलब क्या होता है, फ्लूवियल इज बेसिकली व्हाट, जो रिवर हमें कोई भी लैंडफॉर्म या कोई भी चीज डेवलप करके देती है तो हम लोग उसको फ्लूवियल बोल रहे होते हैं। तो रिवर फॉर्म डिफरेंट टाइप ऑफ लेक। जैसे एक होती है जो हमारी ऑक्सबो रिवर होती है, तो बीच में एक लेक टाइप का ही सरफेस बन जा रहा होता है थ्रू द इरोजन एंड डिपोजिशन वर्क। इन जनरल रिवर्स आर डिस्ट्रॉयर ऑफ लेक, डिस्ट्रॉय कर देती है लेक को, क्योंकि ये बेसिकली क्या है कि लेटरल इरोजन और डाउन कटिंग कर देती है, जिसके कारण से ये पूरा का पूरा एरिया इसी अपने अंदर में समाहित कर लेते हैं, कैप्चर कर लेते हैं। इनफैक्ट लेक्स आर ऑफन ऑब्लिगेटेड ड्यू टू फिलिंग ऑफ सेडिमेंट्स एंड हेडवर्ड इरोजन बाय द रिवर। तो बस यही बता रहा है किस तरीके से ये कटिंग कर रहा है और डिपोजिशन कर रहा है। फ्लूवियल ओरिजिनेटेड लेक्स आर जनरली टेम्पररी एंड सून ऑब्लिगेटेड। फ्लूवियली ओरिजिनेटेड इंक्लूड प्लंज पूल। अब जैसे क्या है, मान लेते हैं कि हमारी माउंटेन से आ रही है, तो यहां से जब भी रिवर निकलेगी और जब ये वाटरफॉल बनाएगी, सीधी सी बात है इस इलाके को तोड़ देगी, तो इस इलाके को हम लोग बोलते हैं क्या, दिस इज बेसिकली प्लंज पूल। और बेसिकली ये प्लंज पूल है क्या, पानी यहां पर इकट्ठा हो गया है, पानी इकट्ठा हो जाएगा तो हम लोग इसको क्या बोल देंगे, लेक बोल देंगे, सीधी सी बात है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहां पर। इसी तरीके से ऑक्सबो के कारण से भी लेक बन जाती है, इसी तरीके से एलुवियल फैन के कारण से जो डेल्टा साइड बना रही होती है तो वहां पर भी लेक बन जा रही होती है, डेल्टा लेक बन जा रही होती है, फ्लड प्लेन लेक बन जाती है। तो इस तरीके से मल्टीपल टाइप ऑफ लेक बन जा रही होती है। जैसे हम अगर बात करें तो गंगा, ब्रह्मपुत्र ये अपने अपर, मिडिल एंड लोअर कोर्सेज में अपनी इस तरीके के लेक बना रहे होते हैं। तो लेक्स आर फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ द मियंडरिंग, दिस इज ड्यू टू ऑक्सबो लेक, इस तरीके से बन जाती है जो मियंडरिंग के कारण से बन पा रही होती है, एंड दिस इज नोन एज ऑल्सो एलुवियल लेक्स वगैरह भी बन जा रही होती है। क्लियर हो गया क्या चीज है। सिमिलरली इसी तरीके से एक और होती है, इसको
एओलियन लेक बोलते हैं, एओलियन उसको बोलते हैं जो विंड के कारण से बन रही होती है। अब विंड देखिए क्या करता है कि किसी सरफेस को हॉलो या फिर डिप्रेशन क्रिएट कर देता है। अब यहां पर क्या हुआ, डिप्रेशन क्रिएट कर दिया, सीधी सी बात है वहां पर पानी भर जाएगा, पानी भरने के कारण अब लेक का सरफेस ले लेगा। जैसे वेस्टर्न राजस्थान में इस तरीके की बहुत सारी लेक हमें देखने को मिल रही होती है। लेक के बारे में, इनफैक्ट विंड के बारे में बात करें तो ये होती क्या है, सिलिका होती है, SiO2 डस्ट पार्टिकल होता है। डस्ट पार्टिकल कैसा होता है, अल्कलाइन इन नेचर होता है, और जो अल्कलाइन रहेगा तो सीधी सी बात है कि इस तरीके का जो भी लेक बनेगा वो कैसा बन जाएगा, सेलाइन लेक बन जाएगा, सॉल्ट लेक बन जाएगा। क्लियर हो गया क्या चीज है। जैसे धांध ऑफ वेस्टर्न राजस्थान, ये कुछ एग्जांपल यहाँ पर लिए गए हैं। सारे एग्जांपल हम लोग बात करेंगे मैप मेकिंग में, वन बाय वन करके हम लोग वहां पर लेक को भी डिस्कस करेंगे, और हम लोग अपने सुविधा के लिए इन सारे टाइप को भी वहां पर फिर से एक बार देख लेंगे क्या कुछ है। नेक्स्ट जो हमारी लेक आती है उसको बोलते हैं डिसोल्यूशन लेक। डिसोल्यूशन का मतलब क्या है, कोई चीज डिसॉल्व हो रही है। डिसॉल्व होने में क्या चीज डिसॉल्व हो सकता है, कैल्शियम डिसॉल्व हो सकता है, कैल्शियम कार्बोनेट या फिर कैल्शियम सल्फेट पानी में डिसॉल्व हो जाएगा, वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा। और ये बेसिकली है क्या, दिस इज बेसिकली लाइम स्टोन, यानी जितने भी हमारे लाइम स्टोन रिलेटेड जो भी लैंडफॉर्म बनते हैं, जैसे स्टैलेक्टाइट, स्टैलेगमाइट, उवाला, तो ये जितने भी तरीके के हमारे लैंडफॉर्म्स वगैरह होते हैं, ये बेसिकली लेक फॉर्मेशन कर रहे होते हैं। तो दीज लेक्स आर फॉर्म ड्यू टू डिप्रेशन ऑफ द सर्फेस बाई अंडरग्राउंड डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्युबल रॉक लाइक लाइम स्टोन एंड जिप्सम। तो बेसिकली लाइम स्टोन और जिप्सम इसी को डिस्कस कर लिया गया है। अगर पूछे कि कहां पर ये पाया जाता है, तो देखिए ये मेघालय साइड में पाई जा रही होती है। अभी इनफैक्ट रिसेंट में सबसे पुरानी लेक भी, सबसे पुरानी ये कह लीजिए कि लाइम स्टोन की एक केव पाई गई है। इसी तरीके से कुमाऊं पे भी पाई जाती है, भीमताल के पास में, एंड उत्तराखंड में गढ़वाल रीजन में। इसके अलावा अगर वर्ल्ड में बात करें तो देखिए यूगोस्लाविया में इस तरीके की पूरी लाइम स्टोन रीजन हमें पाई जा रही होती है, और वहां पर हमें इस तरीके के लेक काफी ज्यादा पाई जाती है, जैसे क्रोशिया हो गया, मोरिटानिया हो गया, हर्जेवानिया हो गया, तो इन सारे इलाके में पाई जा रही होती है। कुछ और भी हमारे पास लेक होती है, जैसे एक और टाइप होती है जिसको बोलते हैं लगून्स। व्हाट इज लगून, लगून बेसिकली होता है जब मान लेते हैं कि दिस इज द कोस्टल इलाका, मान लेते हैं ये हमारा कोस्टल एरिया है, ये पूरा का पूरा यहां पर क्या होगा, ओशियन होगा। ओशियन देखिए, ये पूरा का पूरा हमारा ओशियन है, लेकिन ओशियन के कारण से अब यहां पर बहुत सारे बार वगैरह यहां पर बनते रहते हैं, तो बार बनते हैं तो इस तरीके से हमारा दोनों साइड से सरफेस डिपोजिशन होना शुरू हो जाता है। जब इस तरीके का डिपोजिशन, स्पिट्स एंड बार के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो ये जो स्पिट्स एंड बार जब एक दूसरे को ये मिला जाते हैं, मिल लेते हैं, तब क्या हुआ, बाहर का पानी बाहर चला गया, मतलब कि यहां पर होगा क्या, ओशियन वाटर अब यहां पर ऐसे फैला हुआ है, लेकिन अंदर के साइड में वाटर जो है वो ट्रैप हो गया है। ट्रैप वाटर होने के कारण से अब एक तरीके का ये लेक साइड में दिखना शुरू हो जाएगा आपको, क्योंकि इलाका ट्रैप्ड वाटर में आ गया है। तो इस तरीके के जो लेक होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, लगून बोलते हैं। जैसे चिलिका हो गया, या पुलिकट हो गया, वेम्बनाड हो गया, अष्टामुडी हो गया, कयाल्स हो गया केरल के, तो इस तरीके से हमारे पास लगून, ये बेसिकली दिस इज बेसिकली लगून्स। क्लियर हो गया क्या चीज है। हालांकि जब हम लोग कोरल के बारे में बात करेंगे तो हम लोग और डिटेल में जाएंगे कि कैसे बना है, क्या हुआ है। क्लियर हो गया। फिर एक और होती है लैंडस्लाइड लेक। कुछ नहीं होता है, बहुत ही फालतू सा है, मान लेते हैं माउंटेन है, यहां पर लैंडस्लाइड है, तो लैंडस्लाइड के कारण से आकर के इकट्ठा हो जाता है, एक जगह पर इकट्ठा हो जाएगा, बारिश होगी तो पानी इकट्ठा हो जाएगा, और इस तरीके से यहां पर जो लेक बन जाती है उसको हम लोग बोल देते हैं लैंडस्लाइड लेक। तो दीज लेक आर प्रोड्यूस बाय लैंडस्लाइड रॉकफॉल कॉजिंग ऑब्स्ट्रक्शन इन द कोर्स ऑफ स्ट्रीम, जैसे गोहना लेक ऑफ गढ़वाल, इसी तरीके की हमारी कह लीजिए कि लैंडस्लाइड लेक बन जा रही होती है। तो ये हम लोगों ने बेसिकली देखा पूरे लेक्स के बारे में, हम लोग यहाँ पर सारी चीजें देख ली हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स वगैरह के बारे में, वाटर पॉलिसी के बारे में, इंटर स्टेट जो वाटर डिस्प्यूट होते हैं उसके बारे में। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है, उसको ज्वाइन करके अपने डाउट को रेज कर सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।